मैडम सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। जिस एज पर, जिस स्टेज पर आज आप हैं, वो हम तक लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आज आप 75 की यहाँ पर क्या फील करती हैं, आप आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? मैं सोचती हूँ मेरी जर्नी जीवन में बहुत अच्छी रही and I have got two lovely sons who really look after me more than the daughters and I'm very proud of them and I feel very satisfied. Only one thing, one regret is there that both of them have not got married. आज का आज बर्थडे है आपका, तो आज का सबसे पहला विश मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसने किया आपको, क्या था, अगर कुछ बताना चाहें आपको? सबसे पहले मेरे बेटे ने विश किया, छोटे ने, फिर बड़े ने, सो दैट वॉज अ ग्रेट डिलाइट। Early morning they did that. So, सर सब कुछ ये ऑर्गेनाइज आज यहाँ पर आपने किया है, है मैडम का ये, जैसे मम्मी ने कहा था कि उनका 75th बर्थडे है, इनका 75th बर्थडे, और जैसे इन्होंने कहा था कि दोनों बेटों ने शादी नहीं की, मैंने और मेरे बड़े भाई ने शादी नहीं की, तो मैंने कहा एक ओकेजन तो देना पड़ेगा, तो ये प्रेपरेशन मेरी 6 महीने पहले शुरू हो गई थी। मैं एक शादी पर गया था जहाँ मेरी पूरी फैमिली आई थी, जो आज यहाँ पे हैं। मैंने बोला भाई शादी पे डांस करने का मौका मिले ना मिले, माँ के 75th पे डांस जरूर करवा दूंगा। तो ये 3 दिन का लंबा फंक्शन है, कल से चल रहा है, आज एक है और कल रात को एक और होगा। मैडम अगर मैं आपके बेटे की बात करूँ, आर्मी में थे, कई सारी उन्हें फिल्मों में भी उन्हें इन्हें देखा है, तो जब आप इन्हें देखती हैं टीवी पर क्या फील करती हैं आप? आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज दिस वॉज हिज एम्बिशन टू बिकम एन एक्टर एंड ही बिकेम वन बिकॉज ही डिड एक्सट्रीमली वेल इन द आर्मी बट स्टिल एक्टिंग वॉज हिज पैशन एंड ही इज एक्सेल्ड इन इट। ही इज वेरी हैप्पी एंड सो आर वी आई मीन फील वेरी प्राउड वॉचिंग हिम वॉट ही इज डूइंग। He's achieved a lot. इससे बड़ा कोई खुशी का दिन मेरे लिए है नहीं, और मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है पिछले 6 महीने से, अभी तक कोई काम नहीं लिया है। और मैंने जब भी मेरे को काम का कोई मैसेज आता है तो मैं ये बोल देता हूँ कि भाई 20 तारीख तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए। सो दैट्स फॉर माई मदर। सर 20 के बाद ऐसा है कि मैं एक अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जो कंप्लीट हो चुकी है अभी, उसका पहले प्रोपोजिशन किसी को देना है, नरेशन देनी है, अभी मैं डायरेक्शन में घुसने वाला हूँ। और उसके बाद एक मेरे फादर एक गैलेंट्री अवार्ड विनर है, कीर्ति चक्र है, उनकी खुद की एक स्टोरी है जो मैं बहुत बड़े लेवल पर बनाना चाहता हूँ, होपफुली बनाना। चलिए मैडम आपसे जाते जाते जानना चाहेंगे कि आपके सारे दोस्त आज यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी का एक माहौल है, तो कितना एंजॉय करने वाली हैं आप पर्सनली और कितना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स यहाँ हैं, माय नीसेस, माय ग्रैंड चिल्ड्रन, माय सन्स इन लॉ, ऑल आर देयर। वी आर ए वेरी लार्ज फैमिली और मोस्ट ऑफ आर देयर, ओनली वन और टू आर अब्रॉड, ही इज वन इज इन ऑस्ट्रेलिया, 2 or 3 आर इन अमेरिका हु कुड नॉट मेक इट, अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर देयर। इट हैज गिवन मी अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, आई डिडंट नो दैट। बिल्कुल नहीं पता था हमें, इनको दिल्ली कब बुलाया, सब रिलेटिव्स को दिल्ली कब बुलाया, इनके दोस्तों को कब दिल्ली से बुलाया गया और सब बॉम्बे आए, टिल द टाइम पहली पार्टी हुई इनको पता ही नहीं था। एक चीज जो और मैंने जानी है आपके बारे में कि टीवी को देखने का बहुत शौक रखती हैं आप, बहुत शौक, तो कुछ बताएंगे आपकी इन दिनों कौन सी फिल्में देखती हैं, कौन सा सीरियल देखती हैं? मैं सीरियल ज़्यादातर देखती हूँ आजकल, वो जो पाकिस्तानी है, क्या है वो सीरियल, आप बताओ क्या उसको कहते हैं, वो जो जी टीवी ने बनाया है, जिंदगी, जिंदगी, उसके सीरियल मैं काफ़ी देखती हूँ बिकॉज दे आर वेरी क्लीन सीरियल्स, सो आई लाइक टू वॉच देम। और जो हमारे पुरानी स्टोरीज होती हैं जैसे उत्तरण और ये, दीज टाइप ऑफ सीरियल्स आई लाइक क्वाइट अ बिट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। हाँ, विक्रम की मम्मी का 75th बर्थडे है, और वो जब हम शूट कर रहे थे रिपोर्टर्स, तो तकरीबन 4 महीने पहले से ही विक्रम प्लानिंग कर रहे हैं, और हम सबको मालूम था सेट पे रिपोर्टर्स के कि विक्रम की मम्मी का बर्थडे आने वाला है। हम सब ने वादा किया था कि हम किसी भी तरह से पॉसिबल करेंगे कि हम लोग उनके बर्थडे पर पहुँचें, और हालांकि मैं मुंबई में नहीं था, मैं छुट्टी पे था, तो मैं खासकर उनकी मम्मी के बर्थडे को अटेंड करने के लिए ही आया हूँ।
बड़ी खुशी होती है। मम्मियाँ बहुत स्पेशल होती हैं और वो विक्रम की मम्मी है। मम्मियाँ वैसे ही बहुत खूबसूरत होती हैं, ये और भी खूबसूरत मम्मी है, बहुत प्यारी हैं और आई थिंक शी इज़ वेरी अफेक्शनेट। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल फिट हैं। 75 में लगता भी नहीं है कि 75th उनकी बर्थडे है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हेल्दी रहें और आगे जब तक हैं तब तक फिट रहें। फिटनेस की बात हुई, हम आपको भी देख रहे हैं काफ़ी फिट रहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आते हैं बहुत ही एक्टिव रहते हैं, अपने फिटनेस पे कैसे ध्यान रखते हैं राजीव? मैं इस फिटनेस के बारे में कभी फिर बताऊंगा, आज तो उनकी मम्मी का बर्थडे है तो उसके बारे में मैं बात को लिमिटेड रखना चाहूँगा। कितना एंजॉय करने वाला आपकी शाम आज के पार्टी? मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे कल मॉर्निंग में वापस निकलना है, मुझे तकरीबन 5 बजे मुझे वापस निकलना है, तो मैं बस जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आया था और शायद सबसे पहले ही जाऊँगा। आपके अंदाज में एक विश किनको? मैं उनको विश उन्हीं को दूंगा ना, मैं ऑडियंस को क्या दूँ? सबसे पहले आया था मैं, अभी भी नहीं पहुँचा। जी हाँ, अपना बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि एक माँ के लिए इस लेवल पर अरेंजमेंट करना, इतने बिजी हो जाते हैं इंसान अपनी लाइफ में, 75th बर्थडे इस लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्री को बुलाया है, इज़ मेकिंग स्पेशल इफेक्ट्स। और ये सिर्फ आज नहीं, पिछले 3-4 दिन से चालू है ये पूरा सेलिब्रेशन। तो आई एम ग्लैड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड हैट्स ऑफ टू मेजर विक्रम जी जो ये सब कर रहे हैं। और हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अपने माँ बाप के लिए कितना प्यार होना चाहिए, कितनी इज्जत होनी चाहिए, और हो सके तो ऐसे छोटे छोटे पल जो होते हैं उनको इस लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ फ्यूचर में, देखते हैं। यस, मैं अंदाज तो मैं क्या खास लगाऊँ, बट दिल से दुआ है मेरी कि भगवान करे वो 85th 95th सेंचुरी कंप्लीट करें। और ज़रूरी ये है कि हेल्दी रहें, खुश रहें और इसी तरह से अपने बच्चों के साथ हंसती खेलती रहें। सॉन्ग, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, मैं 2-3 लाइनें बोल देता हूँ जो मुझे एक ही गाना आता है बहुत देगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दे आंटी। यस, या माय वाइफ, उन्होंने डिज़ाइनिंग में बहुत कुछ किया हुआ है, मतलब उनसे टिप्स काफ़ी लेता रहता हूँ। एंड ऑनेस्टली आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, मैं तो कुछ भी मिलता है पहन लेते हैं, बट शी इज़ ऑलवेज गाइडिंग मी एंड शी ऑलवेज मेंटेन्स कि भाई ये पहनो वो पहनो। एंड दिस डे ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस जैकेट बाय हर, एंड या बेसिकली शी इज़ इनटू वेमेंस वेयर, ज़्यादा तो उनका उसमें है, बट कभी कभी मेरे पे भी थोड़ा मेहरबान हो जाती हैं तो मैं भी कुछ पहन लेता हूँ। खूब इन्जॉय करेंगे, देखते हैं, अभी तो आए हैं, अभी यहाँ पर दोस्त यार मिलेंगे, इंडस्ट्री के सब लोग मिलेंगे और थोड़ा बहुत पंजाबी स्टाइल में भी इन्जॉय करेंगे क्योंकि मेजर साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो देखते हैं क्या है, अगर कोई भंगड़े ढोल का कोई प्रोग्राम हो तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा हमारे कोट के बटन खुल जाएंगे और हम भी थोड़ा नाच लेंगे। और क्या, थैंक यू। मुझे पहली बात इस चीज़ से, इस जन्मदिन से मैं बहुत इमोशनली जुड़ा हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ का भी 75th बर्थडे मनाना चाहता था, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनके जाने के बाद मुझे उनके, मतलब मेरे नाना जी का एक ऐसा एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था जो उनका जन्मदिन है, जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ था उसके हिसाब से तो 72 हुआ था, लेकिन उससे पता चला कि एक्चुअली वो 75th बर्थडे था जो हमने अनफॉर्चुनेटली उनके जाने से ठीक पहले सेलिब्रेट ही नहीं किया।
सोचा कि कुछ दिनों के बाद करते हैं और उसके बीच ही उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। तो इस जन्मदिन के साथ मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी माँ का जन्मदिन मना रहा हूँ। इसलिए मैं विक्रमजीत के साथ भी पूरी तरह से लगा पड़ा हूँ, जो भी काम मैं कर सकता हूँ या कर पा रहा हूँ उसमें। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पहली बात तो ऐसा एक बेटे ने सोचा कि जिन सीरियल्स को मेरी माँ देखती हैं दिल्ली में बैठकर टेलीविज़न पे, वो सारे कलाकार जिनको देखती हैं, उनको अचानक बुलाकर उन्हें सरप्राइज़ किया जाए और वो आकर उन्हें विश करें उनके जन्मदिन पर। ये थॉट बड़ा कमाल का है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत मेहनत की है उन्होंने इसके लिए, डे नाइट 4 महीने तक। ये बड़ी अच्छी बात है। ये पीछे से लोग गुजर रहे हैं, प्लीज़ ज़रा गौर मत कीजिएगा। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी कुछ अपने दोस्तों को बुलाया है कि वो आकर उनकी मम्मी को विश करें। तो मुझे मतलब खुशी मेरी बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे वो लोग आ रहे हैं और उनको सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस शाम में। सालों से जानता हूँ। एक ये था, एक कोशिश थी कि हमें यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी टाइम से भी बोला हुआ था। एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड बी हियर। एंड आंटी बहुत सरप्राइज है आज दैट इतने सारे लोग आए उनसे मिलने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सेम है।